फेल गेम फैमिली, बस एक हफ्ता बचा है रॉ रंबल 2023 के लिए और इस साल आप लोग जान ही रहे हो कि कॉडी रोड्स ना सिर्फ रिटर्न आ रहे हैं, इसके साथ ये भी रूमर है कि कॉडी रोड्स इस साल का रॉ रंबल जीतने वाले हैं। तो इसलिए आज WWE 2K22 में कॉडी रोड्स एक नंबर पर आएंगे। वैसे असली रॉ रंबल में पता नहीं कितने नंबर पे आएंगे, लेकिन गेम के अंदर कॉडी रोड्स एक नंबर पे आने वाले हैं और जीतने की कोशिश करेंगे आज का रॉ रंबल, जो कि बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सारे ही खतरनाक सुपरस्टार्स हैं इस रॉ रंबल के अंदर और सारे सुपरस्टार्स के पास तीन तीन फिनिशर है। तो जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, फेल गेम फैमिली फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। कॉडी के साथ बॉबी लैशली ने स्टार्ट किया फिनिशर देने की कोशिश। लैशली ने स्टार्टिंग में एक फिनिशर छीन लिया कॉडी रोड्स का, लेकिन कोई बात नहीं, कॉडी के पास दो और फिनिशर है। 60 सेकंड का टाइमर है, याद रखना 60 सेकंड में एक एक सुपरस्टार आते रहेगा। क्रॉस रोड्स आखिरकार लगा ही दिया, देखिए कोई बात नहीं, बॉबी लैशली की अभी हेल्थ है, रिकवर कर सकते हैं लैशली। लैशली तीन तीन फिनिशर है, इतनी जल्दी एलिमिनेट होने वाले द ग्लिचर। आजकल ग्लिच नहीं कर रहे लैशली, अच्छे हो गए और आई थिंक लैशली एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या टाटा हो गया लैशली का, ओ भाई साहब 30 सेकंड के अंदर एलिमिनेट भी कर दिया बॉबी लैशली को। शुरुआत अच्छी की है कॉडी रोड्स ने, चलो ठीक है देखते आगे और क्या करते हैं। फिलहाल शुरुआत अच्छी की है, कौन आ रहा है नेक्स्ट, कौन आएगा, अकेले राज कर रहे रिंग में और अब ड्रू मैकइंटायर आने वाले हैं। तीन तीन फिनिशर ड्रू के पास भी है। कॉडी अभी स्टाइल मत मारो, ड्रू आके क्लेमोर लगा देंगे। एक नंबर से जीतना है या नहीं जीतना है, ऐसे मुझे नहीं लगता, थोड़ा मुश्किल लग रहा है एक नंबर से जीतना, लेकिन ठीक है इम्पॉसिबल नहीं है। ड्रू भी रिंग में इंटर करके मार खा रहे, मुझे लगा ड्रू मारेंगे, ड्रू तो पिट रहे, क्या चल रहा है ड्रू, ये सही नहीं लग रहा है। और रिवर्स किया ड्रू ने, चलो फाइनली लगता है ड्रू कुछ करेंगे, क्लेमोर किक। रॉ रंबल में ना बिल्कुल फिनिशर बचा के नहीं रखना चाहिए, ड्रू गलती कर रहे हैं। कॉडी को देखो जल्दी जल्दी फिनिशर यूज करके एक आदमी को एलिमिनेट भी कर दिया, मतलब रॉ रंबल अभी स्टार्ट ही हुआ था और ड्रू मैकइंटायर भी गए। मां कसम क्या हो रहा है ये, कॉडी रोड्स तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। कॉडी असली WWE में रिटर्न आ रहे हो, आज यहां पर भी कॉडी अपना जलवा दिखाने वाले हैं, खतरनाक। चलो ठीक है, अभी दो मिनट के अंदर कॉडी रोड्स ने सही में ऐसा दिखाया कि वो अपना कमबैक कर रहे हैं। दो आदमी एलिमिनेट, लेकिन ये जो आ रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इनको एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होगा और अब फिनिशर भी नहीं है कॉडी के पास। कॉडी बस यही गलती कर दी। अभी कुछ दिन के लिए कॉडी रोड्स की परफॉर्मेंस वो 2020 वाले ब्रॉक लेसनर जैसी नहीं लग रही थी, एक एक आदमी आ रहे हैं एलिमिनेट हो रहे हैं फिर अकेले रिंग में नाच रहे हैं, सही था, लेकिन ब्रॉक लेसनर है। अब पिटने लगे कॉडी रोड्स, कॉडी के पास फिनिशर नहीं, ब्रॉक के पास, याद रखना तीन तीन फिनिशर है। रिवर्स किया है ऐसे, मतलब डायरेक्ट भी बाहर कर सकते हैं कॉडी रोड्स, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक है। सबमिशन, ब्रॉक को सबमिशन लगा दिया और सिग्नेचर आने वाला है कॉडी के पास। कॉडी की हेल्थ अच्छी खासी है, अभी तक ना कॉडी रोड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के आने के बाद, और ये तो होना ही था, कमूरा लॉक लग गया, लेकिन हार्ट डैमेज नहीं हुआ है कॉडी रोड्स का। पर अभी तो लोग आने ही स्टार्ट हुए, तीन ही लोग आए अभी तक। चलो फाइनली रॉ रंबल में तीन आदमी रहेंगे, बस 4 सेकंड के अंदर दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करते। कौन आ रहा है, मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन्स वुमन आ रहे हैं। ब्रॉन को एलिमिनेट करना मुश्किल होगा असली रॉ रंबल में भी और यहां पर भी। गेम के अंदर भी ना जाइंट को एलिमिनेट करना मुश्किल रहता है रॉ रंबल में, ये अच्छा बनाया है, ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि रियल लाइफ में भी रॉ रंबल में क्या होता है कि एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत लोगों की मेहनत लगती है या फिर कोई अकेले भी एलिमिनेट करता है तब भी उसको बहुत मेहनत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर को मेहनत लगने वाली है, नहीं ना, मुझे भी नहीं लग रहा है। ब्रॉक लेसनर स्ट्रोमन को भी पिटने लगे, तीन तीन फिनिशर लेके आए स्ट्रोमन, सुप्लेक्स सिटी जा रहे हैं। चलो ब्रॉन स्ट्रोमन भी गया सुप्लेक्स सिटी। कॉडी रोड्स बहुत ही अच्छा खेल रहे थे स्टार्टिंग में, अब पता नहीं आगे कैसा खेलेंगे, एक नंबर से जीतेंगे या नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और एक और सुप्लेक्स, आधा पैर मुड़ा हुआ है बेचारे ब्रॉन स्ट्रोमन का, ब्रॉक ने आफत कर दिया रिंग के अंदर। ब्रॉक का तोड़ पता नहीं कोई है भी कि नहीं, फिलहाल तो कॉडी रोड्स और ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों मिलकर ब्रॉक लेसनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नंबर सिक्स भी आने वाला है, कौन है नंबर सिक्स पर, लेसनर के आने के बाद से एलिमिनेशन भी रुक गया है, वाह लेसनर। रोमन रेंस भी आ गया, अब ब्रॉक लेसनर को आई थिंक टक्कर मिलेगी भाई, क्योंकि ट्राइबल चीफ आ रहे हैं एलिमिनेट करने की कोशिश, ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट लेकिन नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता, ब्रॉक मार ही नहीं खाए, एक भी फिनिशर नहीं लगाया लेसनर को, तो चांसेस बहुत कम है। रोमन ने भी आकर धमाका मचाना स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रोमन पिट रहे, मुझे लग रहा था कि स्ट्रोमन डोमिनेट करेंगे, मार खा जा रहे हैं स्ट्रोमन, पहले ब्रॉक से पिट रहे थे अब रोमन से। रोमन और ब्रॉक रिंग खाली करने वाले, पता नहीं क्या हो रहा है,
स्टार्टिंग का मैच कुछ अलग जा रहा था। रोमन और ब्रॉक की दुश्मनी, सदियों पुरानी दुश्मनी एक बार फिर चालू हो गई है और स्ट्रोमन बाहर हो सकते, बच गए। किस्मत अच्छी थी, रिवर्स कर दिया, सही है स्ट्रोमन, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं। स्ट्रोमन कुछ तो करो, क्या कर रहे हो? क्रॉस रोड्स लगा दिया भाई। कॉडी रोड्स फिर से फॉर्म में आ रहे। कॉडी रोड्स ऐसा लग रहा है एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉडी रोड्स ने एलिमिनेट भी कर दिया। स्ट्रोमन मार खाने आए थे क्या? पूरा मार वार खा के भाई एलिमिनेट भी हो गए, लेकिन कॉडी रोड्स का ये तीसरा एलिमिनेशन है इस रॉ रंबल मैच में। अभी तक सिर्फ कॉडी रोड्स ने एलिमिनेशन किया है और किसी ने नहीं। 7 नंबर पे ओमास, एक और जॉइंट आ रहे हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन का हाल देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ओमास ज्यादा कुछ कर पाएगा भाई। स्ट्रोमन जब कुछ नहीं कर पाए और कॉडी रोड्स फॉर्म में आ चुके हैं, एक और जॉइंट के पीछे गए कॉडी रोड्स। सारे जॉइंट्स को अकेले एलिमिनेट करोगे क्या कॉडी? और रोमन और ब्रॉक का तो पता नहीं क्या चलते रहता है भाई। पावर बॉम्ब, रोमन और ब्रॉक की दुश्मनी 2K100 तक भी चलती रहेगी, कभी नहीं खत्म होने वाली दुश्मनी है। अच्छा, 2K में ऐसा कुछ बनाना चाहिए जैसा रियल लाइफ में होता है कि आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर दो, वैसा भी कुछ होना चाहिए। नहीं, रॉ रंबल में कितनी बार हुआ है कि 2-3 लोग एक साथ एलिमिनेट हो गए आपस ही में लड़ते हुए, वैसे ही होना चाहिए। अगर वैसा होता ना, रोमन और ब्रॉक एक दूसरे को पक्का एलिमिनेट कर देते। लेकिन आई थिंक ब्रॉक जाने वाले बाहर, ब्रॉक चले गए। लेस्टर एलिमिनेट हो गए और इधर ओमास को भी एलिमिनेट कर दिया है। रोमन का 1 एलिमिनेशन, कॉडी रोड्स का 4 एलिमिनेशन, लेकिन अब गिलिटीन पड़ गया है। अगर कॉडी रोड्स इस साल रॉयल रंबल जीतते हैं तो रोमन ही को तो चैलेंज करेंगे। ये रेसलमेनिया 39 का प्रीव्यू देख रहे हैं क्या हम लोग? ओ, जॉन सीना भी आ गए, 8 नंबर पे जॉन सीना आ चुके हैं। कॉडी रोड्स ने अभी तक बहुत अच्छा खेला है, लेकिन रोमन और ब्रॉक लेसनर ना थोड़ा दिक्कत करते हैं। ब्रॉक को तो एलिमिनेट कर दिया रोमन ने, लेकिन रोमन को कौन एलिमिनेट करेगा? सीना लड़ो जाके। हाँ, कॉडी रोड्स अभी तक मेंटेन करके चल रहे हैं किसी तरह, 1 नंबर से 8 नंबर तक पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया कॉडी। लेकिन जीतना है तब जाके बात बनेगी। और सीना ने ये लगा दिया है रिवर्स। सीना का ये जब तक एक बार रिवर्स नहीं ना हो तब तक मैच अधूरा सा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, 2K23 आ रहा है। आई होप जैसे ब्रॉक लेसनर का डबल रिवर्सल हट गया है F5 में से, वैसे ही सीना का भी A में से हट गया है। और सीना 3-4 तरह के रहे क्योंकि कवर पे है ना सीना भी। क्रॉस रोड से ओके स्पीयर देने जा रहे थे रोमन, अच्छा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉडी ने पकड़ लिया, ग्रैपल कर लिया था पहले ही। जैक हैमर सीना को क्रॉस रोड, ओके रिवर्स। कॉडी संभल के खेल रहे हैं भाई, सीना और रोमन दोनों को डोमिनेट, सही है। नेक्स्ट आदमी आने वाला है, 9 नंबर पे कौन है? 9 और 10, बस 2 ही आदमी बच गए हैं। सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, ये तो होगा, ये इस साल रॉयल रंबल में भी होगा। जब सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स आएंगे फेस टू फेस, ये होना तय है, दोनों के बीच खतरनाक दुश्मनी होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ रिंग के अंदर सेथ वर्सेस कॉडी होगा या नहीं होगा? और मुझे लग रहा है, मैं अभी से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉडी रोड्स ही एलिमिनेट करेंगे सेथ रॉलिंस को, भले ही कॉडी जीते या नहीं जीते, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है। या फिर सेथ एलिमिनेट कर सकते हैं कॉडी रोड्स को, ये भी हो सकता है। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो चलने वाला है। सेथ अभी तुरंत आए थे रिंग के अंदर, मार भी खाने लगे सेथ। 3-3 स्टॉम्प है, लेकिन 3-4 लोग के बीच में ना सेथ अपने स्टॉम्प नहीं दे पाते हैं। और लो, आखिरकार हो ही गया, सेथ वर्सेस कॉडी रोड्स, इसी का तो वेट कर रहा था मैं। दोनों में से एक दूसरे को एलिमिनेट करेगा सेथ, इतनी जल्दी तो एलिमिनेट नहीं होने चाहिए। कॉडी रोड्स भले ही एलिमिनेट हो सकते हैं अभी, लेकिन सेथ एलिमिनेट नहीं होगा। कॉडी बस फाइनल तक पहुंचने ही वाले हैं। रोमन एलिमिनेट होने वाले, ओके रोमन जा सकते, नहीं बच गए। और स्टॉम्प लगने वाला है कॉडी रोड्स को, लेकिन रिवर्स कर दिया और रोमन को एलिमिनेट कर दिया सीना ने। कॉडी रोड्स के लिए 2 लोग जो सबसे ज्यादा दिक्कत करते वो बाहर हो गए, रोमन और ब्रॉक, और लास्ट आदमी रे मिस्टीरियो है। लेकिन ये तीनों भी खतरनाक है, सीना, सेथ और रे मिस्टीरियो। कॉडी अभी जीते नहीं हो, स्टाइल गलत टाइम पे मार रहे थे कॉडी रोड्स, वो भी 1 नंबर से आया तो सबसे ज्यादा पिटे में। कॉडी ने अच्छा खेला, लेकिन अब लगता है बाहर हो जाएंगे कॉडी रोड्स, अब कोई नहीं बचा सकता, बहुत ज्यादा पिट चुके हैं। बाहर, ओके बाहर नहीं हो रहे कॉडी, बचे हुए, सही है, बच गए। फाइनल 4 तक पहुंच गए कॉडी रोड्स, वो भी अच्छा खेलकर। सेथ बाहर हो सकते हैं अभी, शायद सेथ बाहर होंगे। सेथ तो कॉडी रोड से कम ही मार खाया, 9 नंबर पे आए सेथ, एलिमिनेट हो गए। 9 नंबर पे आए थे भाई सेथ। सीना ने 2 एलिमिनेशन कर दिया और क्रॉस रोड्स पड़ गया सीना को। वाह कॉडी रोड्स, वाह। फाइनल 3 आदमी और रे मिस्टीरियो को भी लगा दिया भाई। ये असली रॉयल रंबल क्यों चलने लगा? कॉडी रोड्स इतना टशन दिखाओगे, मानता हूं रिटर्न आ रहे कॉडी रोड्स, लेकिन इतना टशन, चलो सही है। रे मिस्टीरियो एलिमिनेट होने वाले, कॉडी रोड्स का ये 5वां एलिमिनेशन हो सकता है अगर रे मिस्टीरियो गए तो।
रे तो अभी 10 नंबर पर आए और सीना और कोऑर्डिनेट्स दोनों मिलकर 2K22 के कवर स्टार को बाहर कर दिया। बुयाका 619 फाइनल 2 तक पहुंच गए कोऑर्डिनेट्स, कॉडी और सीना 2K23 में आने वाले, कोऑर्डिनेट्स रॉयल रंबल में आने वाले, फाइनल 2 में यही दोनों पहुंचे। वाह, दोनों अभी न्यूज में छाए हुए हैं लेकिन WWE में नहीं आ रहे। ए लगा दिया सीना ने, सीना मजे ले रहे अब। सेकंड ए, सीना एलिमिनेट करना चाहिए था, डबल ए नहीं देना चाहिए था, ये गलती की सीना ने, एलिमिनेट कर सकते थे अभी, अभी भी मौका है सीना, लेकिन अब मौका चला गया क्योंकि रिवर्स कर दिया कॉडी ने, एक गलती और सीना बाहर हो जाएंगे। बहुत टाइम हो गया कोई एक नंबर से लास्ट तक नहीं पहुंचा था, आज बहुत दिनों के बाद कॉडी रोड्स पहुंचे हैं, लेकिन जीतेंगे। और मैं मुझे जहां तक याद आ रहा है सिर्फ सेथ ही जीते अभी तक एक नंबर से आकर। कॉडी रोड्स रिपीट कर पाएंगे अपने दुश्मन की कहानी को, बच गए। सीना के पास सिग्नेचर नहीं है लेकिन कॉडी के पास सिग्नेचर है, सीना के पास भी सिग्नेचर आ गया। 5 नकल शफल देना चाहिए था सीना, आई थिंक गलती कर रहे, कोई बात नहीं, सीना डायरेक्ट रिंग की तरफ भी दौड़ाएंगे ना तब भी सीना जीत सकते हैं। हाँ ये भी, अरे रिवर्स कर दिया कॉडी रोड्स ने, रिवर्स कर दिया है, कॉडी के पास फिनिशर भी आने वाला है और सिग्नेचर, आई थिंक सिग्नेचर। अरे सीना गए, सीना बाहर चले गए, गेम के अंदर भी कॉडी रोड्स जीत गए। रियल लाइफ में तो पता नहीं, शायद चांसेस है कॉडी रोड्स के ही, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रॉ रंबल 2023 का प्रीव्यू है। भले ही सीना को एलिमिनेट करके नहीं जीते कॉडी रोड्स, पर ऐसा लग रहा है कि कॉडी रोड्स ही जीतने वाले हैं इस साल का रॉ रंबल। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताओ। और ये मुझे लगता है कि अभी तक का बेस्ट रॉ रंबल था मेरा, भले मेरे फेवरेट सुपरस्टार बाहर हो गए लेकिन कॉडी रोड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर फेल गेम फैमिली मेरी कल की वीडियो मिस करनी हो, वो स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पे क्लिक करो, उसको जाकर देख लो। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। मैं मिलता हूँ कल, टाटा टेक केयर, बाय बाय।